जलंधर पठानकोट हाईवे पर गांव रायपुर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान खलील अहमद हुई है। आपको बता दें कि वह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है मृतक की मौत के बाद शव से कई वाहन गुजरते रहे, लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना मकसूदा के प्रभारी कमलजीत सिंह बल व करतारपुर के DSP सुखपाल सिंह रंधावा मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। DSP रंधावा ने बताया कि अज सू एक इनफॉर्मेशन मिली सी कि जी डी रोड जी है भोगपुर से एक डेड बॉडी मिली है, जोड़ा असं आन के मौका देखे आधार कार्ड मिल गया कि खलील एम जो नाम है जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला टांगा पिंड है जी। इसकी उम्र जी 28.5 साल बनती है आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ भी ये उपर जोड़ा लत्त खबी जो सारा शरीर पेट छाती मूँह तक यदा जोड़ा है वो स्टड जोड़े टायर होते उन्होंने काली के काले निशान पे हैं तो वे ही जो सिर पिछले उपरों जो फट गया इस करके असी जो फिलहाल एक्सीडेंट का जी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी यदा डेथ ट्रेस हो गया आधार कार्ड तो वारस भी बुला के असी जी डेड बॉडी भी उन्होंने बाहर पोस्टमार्टम भी उन्होंने हवाले कर सर जो एक्सीडेंट होया कितने जी एक्सीडेंट इतने ही होया क्योंकि जो एक्सीडेंट जो हों ना वो ब्लड कोई दूर नहीं दिखता क्योंकि मर्डर केसा जो दिखता जो कोई वैपन शर्प पाए तो फिर वो बंदा भजदा ज अपनी जान बचाने लिए जाता फिर वो ज़्यादा इदा निशान सर जो एक्सीडेंट होया देखा गया भी यानी कि वहीकल वगैरह निकले हुए हैं तो वहीकल कि ट्रक या टैंपू या कुछ पता लगे जी ये नहीं पता लगे क्योंकि जी GT रोड है ना ये GT रोड से रात में इन्नी कि ज़्यादा ट्रैफिक चलती है तुम थोड़ी जी कोई लिक्विड चीज़ सुट के देखोगे कोई टाइम बाद खत्म हो जाएगी GT रोड की निशानी होंगी है जी क्योंकि ट्रैफिक जी रोड तो बद लंघती है इस करके जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता ता नहीं इन्होंने गलों का पता लगता जी। अगली कार्रवाई सर हूँ असी एक्सीडेंट के तहत जो खिलाफ मैं हिट एंड रन का परचा दर्ज कर रहे हैं और असी हम CCTV कैमरे देखा कि उत्थे बंदा कितने तक किदा आया की आया वो सारा देख के अगली कार्रवाई करा। जलंधर से सुखविंदर बग्गा और जुवेश शेरगिल की रिपोर्ट आज शाम प्लस।